गति में अपनों ने जो पहले इसके पीछे वाले वीडियो जो उसमें किया था, अपनों ने दूरी समय के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था और उसके क्या किया था, मैथमेटिकल डेरिवेशन से उसको निकाला था। आज हमने करेंगे वेग और समय के बीच में, वेग और समय का ग्राफ। ठीक है, किस किस के बीच में बनेगा, वेग और समय के बीच में। पहले से निर्देशांक मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अपने बनाएंगे। पहला है एक समान चाल से। एक समान चाल आप समझते हो कि ना तो समय जो है वो मतलब बिल्कुल जो है एक बराबर चेंज हो रहा हो, ठीक है, और वेग क्या है यहाँ पे बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। देखो 40 किलोमीटर है, 2 घंटे बाद भी कितना है 40 किलोमीटर, 3 घंटे बाद भी कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यूनिट साथ में लिख लेना। चलो अब बनाते हैं। सबसे पहले देखो अब ये करते हैं अपने एक्स अक्ष और ये कौन सी है वाई अक्ष। पहले भी मैंने बताया था एक्स अक्ष पे हमेशा क्या लोगे, समय। लिखो यहाँ पे क्या लोगे आप, समय। समय देखो किसने लिखा हुआ है, आवर्स में, घंटों में दिया हुआ है, तो साथ में लिख लो इसको आवर्स। ठीक है, यहाँ पे अपने पास इस पहले क्या थी, दूरी थी। पिछले जो अपने वीडियो किया था, ग्राफ किया था लोगे, इसमें आप क्या ले लेंगे अपने वेग। वेग की क्या यूनिट होती है, किलोमीटर में ले रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय ले लिया, ये कार्तीय निर्देशांक क्या होंगे, जीरो होंगे, चाहे एक्स के लिए हो चाहे वाई के लिए हो। अब देखो समय का ग्राफ कैसे जा रहा है, एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इसी हिसाब से अपने यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो 1, 2, 3, 4। फोर तो क्या, तो फोर तो एक बार चलते हैं अपने। उसके बाद देखो वेग कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा 40, फिर 2 पे कितना है 2 पे भी 40, 3 पे कितना है 3 पे भी 40। देखो यहाँ का है अपने, यहाँ 40 तक चाहिए, अपने मेजरमेंट यहाँ से 10 से लेके चलेंगे, 10 किलोमीटर, 20, 30 और लगभग यहाँ पे अपने आ जाएगा 40। ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 40 तक तो अपने को चाहिए चाहिए, तो लिखना पड़ेगा। देखो एक घंटे में कितनी पहुँचती है 40 किलोमीटर। देखो वहाँ पहला एक घंटे में कितना पहुँचा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो कार है वो चल रही है, तो देखो कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे। फिर दूसरे घंटे में चली तो भी कितना पहुंची, 40 किलोमीटर, देखो यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो तीसरे आवर में चल रही है तो भी कितना है, 40 किलोमीटर, लगभग देखो यहाँ पे आ जाएगा। चौथे आवर में भी कितनी है, 40 किलोमीटर, तो फोर्थ आवर में 40 किलोमीटर। मिला दो इनको, इस तरह से सीधी अपने पास क्या हो जाएगी, एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये जो रेखा है अपने पास प्राप्त हुई है एक्स अक्ष के क्या है, समांतर है। समांतर कैसे होती है, देखो यूं चल रही है, कभी मिलेंगी नहीं आपस में, लेकिन चलेंगी कैसे बराबर, तो एक दूसरे के समांतर है। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचो और एक यहाँ से बना दो। किस पे बनेंगे दोनों, एक्स अक्ष पे बनेंगे, क्योंकि ये लाइन किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। अब अपने पास एक एरिया मिल गया अपने को, ये रहा, नाम दे दो इसको ए बी सी और डी, अपन नाम दे दिए, ये रहा अपना एरिया। अपना ये जो एरिया है ना, अगर इसका अपने मान ज्ञात कर लिए तो अपने को पता चल जाएगा कि वो कार किस चाल से जो है चल रही थी। तो देखो चाल अपने पास क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, लेकिन दूरी नहीं दी, यहाँ क्या दिया है वेग। तो इससे क्या करेंगे, थोड़ा अलग तरीका यूज करेंगे, सिंपल अपने फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखो ये तो अपने पास क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, एरिया कितना है, देखो लिखो यहाँ पे क्षेत्रफल ए बी सी और डी। देखो ए बी सी और डी किसके बराबर है बताओ, देखो ये बराबर आएगा विस्थापन के। दूरी तो दी नहीं हुई, लेकिन न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन। तो यहाँ आपने क्या लेके चलेंगे, विस्थापन। देखो यहाँ से यहाँ तक चला है, सीधी रेखा में है, तो विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के। तो यहाँ क्या लेंगे अपनों ने, विस्थापन। तो विस्थापन का जो क्या होगा, परिमाण होगा अपने पास, वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो निकालो क्षेत्रफल का, देखो यहाँ पे ए बी सी और डी है, टाइम पीरियड है यहाँ पे, ये अपने टाइम पीरियड कितना ले लिया T1, ये टाइम पीरियड कितना ले लिया T2। अब जो विस्थापन है ना अपने पास, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेग और समय के गुणा के बराबर, वेग गुणा समय। अपने पास दो ही चीजें हैं, वेग और समय, अगर इनका अपने गुना कर दे तो किसके बराबर आ जाएगा, विस्थापन के परिमाण के बराबर आ जाएगा। करो गुना, वेग देखो अपने पास किस वेग से चल रही है, ये अपने पास वेग है पूरा, तो देखो इसकी वेग की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक होगी
निकालते हैं। तो 40 आ गया, समय निकालो, इतना समय है, इसमें से अपने को सिर्फ इतना चाहिए। तो टी टू में से अगर टी वन इतना निकाल देंगे तो अपने पास टाइम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसके लिए, विस्थापन के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये तो आ गया कि जब क्या हो, चाल क्या हो, एक समान हो। अब ये तो चलो आपको समझ आ गया, बात करते हैं एक समान त्वरित गति के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने जो पहले कर लिया था अपनों ने एक समान चाल के लिए, अब अपने करेंगे एक समान त्वरित गति के लिए। ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो ये अपनों ने क्या ले लिया, एक्स अक्ष और कौन सी अक्ष अपने पास, वाई अक्ष। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक्स अक्ष पे आप हमेशा क्या लोगे, समय लोगे। लिखा समय, समय किसमें ले रहे हैं, देखो इस टाइम के लिए अपने इस बिंदु के लिए जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे अपने, पांच सेकंड में टाइम, तो टाइम यहाँ पे लिख लो किसमें ले रहे हैं अपने, सेकंड में। तो यहाँ पे निर्देशांक इसके क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई के, जीरो जीरो। समय का देखो क्या है, पांच से दस, दस से पंद्रह और पंद्रह से बीस। तो इसको करो तो दोबारा यहाँ पे देखो, पांच दस पंद्रह बीस, देखो पांच पांच मिनट का गैप ही चल रहा है, यहाँ से पांच का, यहाँ से पांच का। तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, इसको सेम ही लिख लिया। अब यहाँ देखो सेम चल रहा है, दस का फिर दस का गैप है, फिर दस का गैप है, फिर दस का गैप है। तो इसको फिर अपने क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेम लिखेंगे। दूसरी साइड पहले क्या लिखी अपनों ने, वहाँ पे वेग था, तो अब इस साइड फिर से क्या लिखेंगे, वेग। वेग यूनिट क्या है इसकी, किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखो दस, नेक्स्ट है बीस किलोमीटर प्रति आवर, थर्ड नेक्स्ट इज तीस किलोमीटर प्रति घंटा, एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल से ही चल रहा है, ठीक है। टाइम पीरियड देखो, पांच मिनट का गैप है, फिर पांच मिनट का, फिर पांच मिनट का। यहाँ पर जो इनका वेग जो है बिल्कुल समान रूप से बढ़ रहा है, दस का फर्क है, फिर टाइम का गैप आ गया, फिर टाइम का आ गया। तो हमने क्या कहेंगे, चेंज तो हो रही है दोनों चीजें, लेकिन क्या है उनका जो टाइम पीरियड है, जो उनके बीच का गैप है, क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल समान है। तो ये क्या होगी, ये गति एक समान गति होगी, ठीक है, एक समान त्वरित गति होगी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, सीधी रेखा में आएगा एक समान है। तो देखो कैसे, फाइव सेकेंड है, पाँच सेकेंड पे कितना जाता है, दस किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखो यहाँ पे अपने इसको पॉइंट कर लेंगे, दस सेकेंड पे देखो बीस किलोमीटर प्रति घंटा, ये लो यहाँ पे आ जाएगा। पंद्रह पे देखो तीस है, देन लास्ट आ गया 20 सेकंड पे कितना जा रहा है, 40, 20 पे आ गया 40 या 40 किलोमीटर कह लो, ठीक है। मिलाओ इसको यहाँ से, ये देखो, ये आप थोड़ा ना ऐसे करना, इसको जब बनाओगे ना अच्छे से स्केल से, तो बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। देखो सीधी जा रही है, मतलब क्या है, एक समान जो गति है त्वरित है, ठीक है, बिल्कुल समान चाल से चल रहा है। अब फिर से अपने इसके दो पॉइंट लेंगे, क्योंकि अपने को क्या ज्ञात करनी है, इसकी चाल ज्ञात करनी है। एक पॉइंट अपने ये ले लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी मैंने इसको नाम दे दिया। यहां से इसको मिला, मिला दिया, यहां से कर दो, दोनों साइड मिलाएंगे, क्योंकि चाल तो दोनों साइड से बराबर बढ़ रहा है ना, इधर से टाइम बढ़ रहा है, इधर से क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है। इसको अपने टाइम पीरियड है, तो इसको नाम दे देंगे टी वन, टी टू, ये आ जाएगा अपने पास एस एन एस टू। एक बार लिख लेते हैं, लिखने में ऐसे इसका कोई यूज नहीं है, अगर ना भी लिखो तो भी चलेगा, छोड़ दो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको मिला, अब अपने पास क्या है, एक तो ये एरिया आ गया, सेकंड अपने पास ये एरिया आ गया। अगर इन दोनों एरिया का अपने क्षेत्रफल ज्ञात कर ले तो अपने पास क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। अब नॉर्मल भी कह सकते हो कि चाल का अपने फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय। लेकिन यहाँ पे अपने पास समय तो है लेकिन दूरी नहीं है, क्या है, वेग है। तो वेग का अपने यूज करते हुए इसका निकालेंगे आगे जो भी है इसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल जो भी डेरिवेशन आएगा। अब देखो अगर अपने इसका ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो अपने पास चाल आ जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो निकालो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी, इसको तो नाम दे दिया, इसको सी कह लो, इसको डी कह लो, इसको क्या कह लेंगे, ए। तो ए बी सी डी और ई का क्षेत्रफल देखो इतना पूरा आ गया, ए बी सी डी ई आकृति, आकृति अभी तक पता नहीं ना अपने को कौन सी आगे देखेंगे, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपने पास दो चीज
सी ये रहा, ए बी और सी। हमने बस सेकंड क्या मिल रहा है अपने को, आयत, तो प्लस में क्या लिखोगे, आयत का क्षेत्रफल। देखो आयत कौन कौन सा बन रहा है, ए सी डी और ई, ये आयत बन रहा है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, प्लस में आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। मैथ में पढ़े होंगे आपने ये फॉर्मूले, लंबाई गुना चौड़ाई। आधार क्या है, देखो सबसे पहले ये त्रिभुज अपनों ने यहाँ निकाला है, आधार देखो क्या है इसका, ए बी, तो लिखो यहाँ, सॉरी ए सी, सी है यहाँ पे, ये रहा 1/2 इंटू ए सी इंटू ऊंचाई क्या है इसकी, ये ऊंचाई लेंगे अपनों ने, ऊंचाई क्या है अपने पास बी सी, प्लस में अब आयत पे आ जाओ, सेकेंड नंबर आकृति पे। आयत की देखो लंबाई क्या है, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, चाहे ये लिख लो चाहे इधर से लिख लो, अपने लिख लेते हैं ए ई, ए ई, ठीक है, गुना आएगा प्लस चौड़ाई, चाहे तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, चौड़ाई हो जाएगी, तो क्या लिख रहे हैं अपने ए सी। तो ये अपने पास इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन आ गया, अपने पास मान होंगे अपने यहाँ रखेंगे तो अपने पास इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, एक समान त्वरित जो गति है इसकी 4 प्राप्त हो जाएगी अपने को। आज का अपना टॉपिक था वेग समय ग्राफ कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक होगा अपना।